नमस्कार दोस्तों दोस्तों बहुत बुरी तरीके से महाराष्ट्र में महायुति उलझ गया है नतीजे पक्ष में है बहुमत है लेकिन इसके बावजूद दस दिन बीत गए मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह किसी को पता नहीं अपना वोट देने वाली महाराष्ट्र की जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि आखिर उनका मुख्यमंत्री कौन है तेईस नवंबर को नतीजे आते हैं लेकिन दो दिसंबर भी बीत गया लेकिन मुख्यमंत्री कौन है पता नहीं अब कहा यह जा रहा है कि पांच दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा यानी अचानक सुबह के ग्यारह बजे या जिस समय शपथ ग्रहण तय हो अचानक कोई शख्स आएगा और कहा जाएगा कि यह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे महायुति को बहुमत मिला है लेकिन इसके बावजूद वह यह नहीं बता पा रहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा डिप्टी सीएम की बात तो खैर छोड़ दीजिए किस तरीके से उलझा है महायुति क्या नहीं कर पा रहा महायुति और कहां कहां हैं कि महाराष्ट्र में चल क्या रहा है दस दिन बाद भी तस्वीर साफ नहीं जी हां दोस्तों सरकार की तस्वीर दस दिन बाद भी साफ नहीं हो पाई तेईस नवंबर को नतीजा आता है प्रचंड बहुमत महायुति को मिलता है अकेले भारतीय जनता पार्टी 132 सीटें जीत जाती है यानी पिछली बार जीता जितना जीती उससे 25 सीटें ज्यादा लेकिन नतीजा क्या है ढाक के तीन पात कोई कोई नतीजा नहीं कोई तस्वीर साफ नहीं शिंदे छप्पन सीटें जीत गए अजीत पवार इकतालीस सीटें जीत गए लेकिन ये तीनों मिलकर ये नहीं तय कर पा रहे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा बहुत से घटनाक्रम दस दिन में हुए आपने सब देखे लेकिन आज यह समझने की कोशिश करिए कि उलझन कहां पर है और यह सुलझ क्यों नहीं रही मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह सवाल इतना बड़ा हो गया है कि आज हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है पूरे देश में इस सवाल की चर्चा है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा डिप्टी सीएम कौन कौन होगा अब डिप्टी सीएम के नाम जब आते हैं तो एक नाम अजीत पवार का तो समझ में आता है दोस्तों दूसरा डिप्टी सीएम कौन है शिंदे खुद बनना नहीं चाहते उनके बेटे को बीजेपी बनाना नहीं चाहती तो फिर यह तस्वीर कैसे साफ होगी एक बात यह भी आती है कि दो दो मराठा डिप्टी सीएम बन जाए और एक ब्राह्मण सीएम बन जाए यानी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाए यह तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता ऐसा होने नहीं देंगे तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा अब भारतीय जनता पार्टी में भी दोस्तों दर्जनों नाम आ चुके हैं जिनका नाम मुख्यमंत्री के लिए चल रहा है रेस में है कोई किसी का कहीं नाम है कोई खुद दावे कर रहा है यानी चेहरा साफ नहीं है और शिंदे की नाराजगी है ही हालांकि गांव से लौट आए हैं लेकिन नाराजगी अभी है किस दल को कौन कौन से विभाग मिलेंगे किस दल के कितने मंत्री होंगे शुरू में यह छोरी बताई गई कि भारतीय जनता पार्टी के 20 से 22 मंत्री होंगे एक नाथ शिंदे के 10 से 12 मंत्री होंगे अजीत पवार के 6 से 7 मंत्री होंगे लेकिन इसमें भी पेच फंसा कुछ डिपार्टमेंट्स अजीत पवार चाहते हैं कुछ शिंदे चाहते हैं कुछ बीजेपी चाहती है कुछ ऐसे हैं जिन पर तीनों का दावा है कुछ ऐसे हैं जिन पर शिंदे अजीत दोनों का दावा है कुछ ऐसे हैं जिन पर बीजेपी और शिंदे दोनों का दावा है यानी महाराष्ट्र की चुनावी खिचड़ी किसी के समझ में नहीं आ रही गृह विभाग किसे मिलेगा सबसे महत्वपूर्ण विभाग याद कीजिए पिछली सरकार को गृह विभाग देवेंद्र फडणवीस के पास था वो डिप्टी सीएम है तो बिल्कुल ठीक बात शिंदे की तरफ से कही जा रही है कि उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जाए गृह विभाग दे दिया जाए कहीं कोई लड़ाई है ही नहीं बात खत्म तस्वीर साफ शपथ ग्रहण कराइए विभाग बांटिए सरकार चलाइए लेकिन अजीत पवार से वित्त मंत्रालय छीना जा रहा है कि भाई वित्त आपको नहीं मिलेगा शिंदे कहते हैं कि गृह भी दीजिए हमको राजस्व भी दीजिए हमको और वित्त भी दीजिए हमको यह भी हमको चाहिए विधान परिषद के सभापति की कुर्सी भी चाहिए यानी शिंदे अजीत और बीजेपी तीनों के बीच विभागों को लेकर और मंत्रियों की संख्या को लेकर लड़ाई अभी भी जारी है और इसीलिए दोस्तों मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि महायुति उलझ गया है अब चाहे जितनी मीटिंग हो जाए दिल्ली में हो जाए मुंबई में हो जाए नागपुर में हो जाए कहीं भी मीटिंग हो जाए लेकिन हल नहीं निकल रहा है तारीख पर तारीख वो जो बड़ा फेमस डायलॉग था आपने भी सुना होगा अब वैसा कुछ महाराष्ट्र में दिख रहा है सबसे पहले कहा गया कि 30 नवंबर को सरकार की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी फिर कहा गया कि एक तारीख को मीटिंग होगी फिर कहा गया कि दो तारीख को मीटिंग होगी और अब चर्चा है कि चार दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की मीटिंग होगी और पांच तारीख को शपथ ग्रहण होगा शिंदे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हर बात उनको मंजूर है तो फिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पा रहा तो फिर यह तस्वीर साफ क्यों नहीं हो पा रही तो फिर जनता के सवाल का जवाब क्यों नहीं मिल रहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा दोस्तों इस सवाल का जवाब आखिर कब मिलेगा यह जनता जानना चाहती है लेकिन महायुति इतने बुरे तरीके से दोस्तों उलझा हुआ है आप देख सकते हैं कि उसे कोई हल नहीं मिल पा रहा कि आखिर यह जो पूरा मामला उलझ गया है इसको सुलझाया कैसे जाए शिंदे अलग नाराज अजीत पवार अलग नाराज और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ होने के बाद भी खाली हाथ है कुछ कर नहीं पा रही ना दिल्ली का दखल कुछ कर पा रहा है ना मुंबई से कुछ हो पा रहा है सारा मामला एक जगह आकर ऐसा लगता है रुक सा गया है तो अब महाराष्ट्र में तस्वीर कब तक साफ होगी दोस्तों इंतजार कीजिए मैंने आपसे कहा कि चार दिसंबर को मीटिंग और पांच दिसंबर को शपथ ग्रहण ये तारीखें बदल भी सकती हैं क्योंकि महाराष्ट्र में इन दिनों कुछ भी हो रहा है दोस्तों इस खबर पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा नमस्कार